उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मौरावा थाना क्षेत्र से आ रही। हिलौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बछौरा में धूमधाम से कीर्तन आयोजन हुआ। श्री शीतला देवी सेवा समिति द्वारा बछौरा में जल विहार मेला एवं विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन धूमधाम से किया गया। जल विहार मेले में गांव के लोग अपने अपने बच्चों के साथ मेले का आनंद लिया। जल विहार मेले में दिन में काजल सिंह का आल्हा का कार्यक्रम था। दिन में काजल सिंह ने आल्हा गाकर गांव वालों को वीर रस से ओतप्रोत कर दिया। रात में विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन श्री शीतला देवी सेवा समिति बछौरा के द्वारा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बछौरा स्थित माता शीतला देवी मंदिर में बाबूलाल राजपूत और नीलम विश्वकर्मा के मध्य हुआ महामुकाबला। महामुकाबला में दोनों कलाकारों ने श्रोताओं को रात भर जवाब सवाल कर आनंदित करते रहे। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ श्री शीतला देवी सेवा समिति के अध्यक्ष बिंदा साहू के द्वारा किया गया। फिर प्रधान पत मनोज साहू व अन्य सभी सदस्यों के द्वारा सभी कीर्तनकारों को माला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान ब्रजेश मिश्रा, कल्लू यादव, रामबाबू लोधी प्रधान, देवमई अवधेश कोटेदार, मोतीलाल लोधी वरिष्ठ भाजपा नेता, चंद्रपाल सहित लगभग सैकड़ों ग्रामीण व क्षेत्रीय श्रोतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन एसके पाल ने किया। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। नाम भी रखा शिव शक्ति और सबके पूरे हो गए हैं अरमान और भारत का दुनिया करती सम्मान। ये जग जानता जग मानता सारा जहां ये अनुमानता। आरी दुनिया सोच रही है कहीं किसी से कम नहीं, सारा जमाना जान गया कि कहीं किसी से कम नहीं, ओ भारत सा ओ तम खम नहीं, बेहतरीन सा चक्र, बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया कड़पी, बढ़िया जवाब। तो सुनाई देती है किसकी
अरे तुम्हारा दिलिया हमारा दिल है, एक विडंबना है कि आज अब मामला सुलझे तो कैसे सुलझे, यानी खबर अब कौन चीजा अब कौन सारा अब कौन जीजा अब कौन सारा, अब रिश्तेदारी कठिन कदर हमारे घर पे तुम्हारा सर है, तुम्हारे घर पर हमारा सर कभी कभी मामला अपने आप बन जाता है। अब ऐसा ही कोई मामला आ जाए हमारे विद्वान यहां पर विराजमान है, बड़े बड़े जानकार बैठे हुए हैं, एक कथानक आता है प्रजा की व्यवस्था के लिए, प्रजा की व्यवस्था के लिए ऋषियों द्वारा शरीर का मंथन किया गया, राजा भैरव के शरीर का मंथन किया गया, और जब मंथन किया गया तो उससे दो पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ, दो पुत्र प्रथु और निषाद और एक पुत्री जिसका नाम था अर्ची। ये पैदा हुए लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, तो बहन जी जो दो पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ, यानी प्रथु और निषाद और अर्ची, और प्रथु और अर्ची का जब विवाह कर दिया गया, आपस में विवाह कर दिया गया, तो बिचारे अर्ची सोच सोच करके परेशान, क्या सोच रही है क्या? अर्ची सोचने लगी कैसा ये रिश्ता, ये कैसा नाता, जोड़ा ये जोड़ा कैसा विधाता, अरे जोड़ा ये जोड़ा कैसा विधाता, मैं कहना चाहूं पर कहा न जाता, समझ मेरी न कुछ है आता, अरे समझ में मेरी न कुछ है आता, क्योंकि एक समस्या खड़ी हो गई, एक तो जिनसे हम पैदा हुए जिस शरीर का मंथन किया गया और जिससे हम पैदा हुए, तो अर्थी सोच रही क्या?